नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। हमने पिछले दो वीडियो में सीताफल में फर्स्ट स्टेज की और सेकंड स्टेज की प्रूनिंग किस प्रकार से करते हैं वो देखा। आज हम सीताफल के पौधे में फ्रूटिंग से पहले किस प्रकार से प्रूनिंग की जाती है वो देखेंगे। प्रूनिंग करने से पहले सीताफल के पौधों में पानी का स्ट्रेस देना ज़रूरी होता है। अभी ये ज़मीन के हिसाब से आपको स्ट्रेस में अंतर रखना पड़ता है। अगर ज़मीन हल्की है तो दो महीने का स्ट्रेस भी काफ़ी होता है। कम से कम सीताफल के पौधे में 50% तक पतझड़ होना ज़रूरी है, क्योंकि पतझड़ होने के बाद में जहाँ से ये पत्ते गिर जाते हैं वहाँ से नए बड्स निकलते हैं, नए फुटाव आते हैं। बहुत से किसान सीताफल की प्रूनिंग का तरीका और प्रूनिंग का उचित समय क्या है, किस समय प्रूनिंग करनी चाहिए, इसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो प्रूनिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मौसम का मिजाज देखिए, क्योंकि प्रूनिंग के बाद में 15 से 20 दिन के बाद पौधों में पानी छोड़ना ज़रूरी होता है। और बारिश गिरने के बाद में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 42 डिग्री अभी फ़िलहाल में टेम्परेचर है। तो फलों की सेटिंग जब होती है, जब इसमें नई कलियाँ निकलती है, और टेम्परेचर 30 डिग्री तक होना चाहिए और पर्यावरण में मॉइस्चर भी होना चाहिए, तभी उन कलियों का रूपांतरण फलों में होता है। तो अभी इस साल बारिश जल्दी बताई गई है, इसलिए हम आज 19 मई है, हम इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। प्रूनिंग करते समय अभी ये जो टहनी देख रहे हैं आप, हमें इस पे केवल पेन साइज की ब्रांचेस ही रखना है। ये इस प्रकार से 2, 4 और ये 5 से 6 नोड्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जहाँ पे पतझड़ हुई है यहाँ से नए नोड्स निकलेंगे, नई ब्रांचेस निकलेंगी और उनका कलियों में रूपांतरण होगा। और अभी ये जो छोटी ब्रांचेस है रिफिल साइज की, ये हम हटा देंगे। इस प्रकार से प्रूनिंग करना है, ये 4 से 6 नोड्स रख सकते हैं। छोटी छोटी सभी हटा देना है। ऐसा नहीं है, हम अगर ये छोटी ब्रांचेस रखेंगे तो इसमें भी फल लगेंगे, लेकिन ज़्यादा फल लगने की वजह से फलों की जो गुणवत्ता है वो जैसी रहनी चाहिए वैसी नहीं रहेगी। ब्रांचेस हटा देनी है। एवरेज 6 से 8 इंच इस प्रकार से डिस्टेंस छोड़ के आप ब्रांचेस।
पतझड़ तो होना ज़रूरी है। अभी इसमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए इसमें 100% पतझड़ हुई है। टाइमिंग है वो हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। जहाँ पर आपको लगता है कि टहनियों की कैनोपी थोड़ी कंजेस्टेड है, वहाँ पर आप प्रूनिंग थोड़ी दूरी से भी कर सकते हैं। तो हम कैनोपी डेवलप करने में विशेष रूप से ध्यान देते हैं, इसलिए हमें छोटी टहनियाँ भी समय हटाना है, क्योंकि हमें गुणवत्ता वाला उपज चाहिए। तो हमें हो गई है, अभी इसमें बरसात के बाद में लगभग 1.5 महीने में नए पत्ते लगकर फ्लावरिंग होगी, इसमें कलियां निकलेगी। अगर इसी प्रकार से कोई पौधे में अगर पानी बैठ गया, सामने की ओर नए फुटाव निकलते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर अगर हम अर्ली पानी देते हैं पौधे में, ये देखिए ये जो कलियाँ बन रही है इसमें, यहाँ पर भी है। अभी ये मई की गर्मी में इतने टेम्परेचर में इसकी सेटिंग नहीं होगी, ये झड़ जाएगी। ये देखिए ये भी खराब हो गई, ये कलियाँ निकली थी। इसलिए पानी का जो नियोजन है और कटिंग का जो समय है वो योग्य ही रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बेमौसमी बरसात हो जाती है, मतलब जून से पहले हो जाती है, तो उस सिचुएशन में नहीं तो गलती से हमारे तरफ से पानी दिया जाता है तो ये इस प्रकार से फुटाव निकल जाती है। तो इस चीज़ के लिए बरसात से 15 से 20 दिन पहले आप पौधे पर प्रूनिंग कीजिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो में दी गई जानकारी से आप अगर संतुष्ट है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए।
और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।